आपने एक गोल सेट किया है अपनी लाइफ में, करियर से रिलेटेड या कोई भी, कि मेरे को ये काम करना है, बार बार डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो मोटिवेटेड कैसे रहोगे? जितना उस काम के बारे में आप जानते चले जाओगे, उतना ही आप मोटिवेट होते चले जाओगे। उस काम की पॉजिटिव साइड के बारे में आप जानते चले जाओगे, उतना ही आप मोटिवेटेड होते चले जाओगे। उस काम की नेगेटिव साइड को आप अगर देखोगे और अगर उस नेगेटिव साइड से कुछ सीखोगे नहीं, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। कोई भी करियर परफेक्ट नहीं है। आपने करियर चूज कर लिया है, उसकी नेगेटिव साइड भी है। जितना आप उसकी नेगेटिव साइड को देखोगे, आपको लगेगा यार इस काम में कुछ नहीं होगा, मैंने अपने 4 साल खराब भी कर दिया, उसके बाद भी कुछ होने वाला तो है नहीं, तो इससे अच्छा अभी छोड़ दो, अभी मत करो। अब आप क्या कर सकते हो, उसी करियर से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको देखो। किसी करियर में कुछ पड़ा नहीं है, हमारे ऊपर है उस करियर को हम किस लेवल तक ले जा सकते हैं। आप ओलंपिक खेलो, लेकिन जैसे मैंने बताया ये बहुत लंबी जर्नी है। नाउ आई एम 32 इयर्स ओल्ड, तो पॉसिबल है, बट अभी मतलब मेरा टारगेट ये है मिस्टर वर्ल्ड, तो अभी मुझे इंटरनेशनल खेलना है, टारगेट है मेरा मिस्टर वर्ल्ड, तो मुझे इनकम टैक्स को अभी रिप्रेजेंट करना है, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उनको थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाना है, तो फिलहाल तो मेरा टारगेट मिस्टर वर्ल्ड है। और ये फेडरेशन में बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, एशिया लेवल, वर्ल्ड लेवल, तो मैं इसमें बहुत सेटिस्फाई रहता हूँ, क्योंकि अब देखा जाए तो मिस्टर वर्ल्ड जो होता है उसमें अराउंड 35 या 40 कंट्रीज के जो एथलीट होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी बड़ा एक कॉम्पिटिशन ही है। और मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर ओलंपिया देखा जाए तो उसमें सिर्फ टॉप 10 ही सिलेक्शन होता है, 10, तो उसमें बॉडी वेट अराउंड 120 kg होना चाहिए, और मेरा बॉडी वेट ऑन स्टेज 90 है, तो मुझे लगता है मुझे अगर करना हो तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, अराउंड 5 से 7 लगेंगे, तो देखते हैं अगर आगे फ्यूचर में अच्छा ज़रा प्रोग्रेस हुआ तो फिर ट्राई ज़रूर करेंगे।